हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे, जो सबको पसंद आते हैं। अक्सर लोग बाहर से लाते हैं, तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने डाला 200 ग्राम सूजी, आधा चम्मच मैंने डाला उसमें बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक, 200 ग्राम के करीब मैंने उसके अंदर दही डाला, उसमें पानी मिलाकर, और उसे मैंने अच्छे से हाथों की हेल्प से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया। और उसके बाद मैंने उसे 1-2 घंटे के लिए अलग रख दिया। आपको कपड़े से ढक कर रख देना है, ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी सी गर्माई हो, फ्रीज में नहीं रखना है, देखो ऐसा सॉफ्ट। उसके बाद मैंने पेड़े तोड़े और उसको एक लोइयों की शेप बनाकर एक तरफ रख दिया गीले कपड़े से ढककर। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर 200 ग्राम ऑयल डाला, 1 चम्मच जीरा और एक कटी हुई प्याज को मैंने हाफ फ्राई कर लिया। ये देखिए, जब हमारी फ्राइज अच्छे से फ्राई हो गए, तब मैंने उसके अंदर 150 ग्राम टमाटर प्यूरी और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डाले, जैसे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। और उसे डालने के बाद मैंने उसे बहुत अच्छे से भून लिया, जब तक आपके मसाले की स्मेल नहीं निकल जाती, हीट नहीं आ जाती और तरी ना छोड़ दे जब तक आपका ऑयल, तब तक बीच में ज़रा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि आपका मसाला अच्छे से भुन जाए और अच्छे से कच्चा ना रहे उसमें कुछ भी। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच धनिया को मैंने हल्का सा तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था, पिसा हुआ धनिया, ताकि उसका कलर और स्मेल अच्छी सी आने लगे। और उसके बाद वो भी मैंने ऐड कर दिया, और उसे ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें चने का पानी डाला, जो हमने चने बॉयल करे थे वो पानी डाला, और भूनने लगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। जब हमारा मसाला अच्छे से भून गया, तब मैंने उसके अंदर चने डाल दिए। मैंने काले वाले चने लिए थे, वाइट नहीं लिए थे, आप चाहे तो वाइट ले लीजिए। मेरे 300 ग्राम के करीब चने थे, उसे मैंने रात भर भिगोने के बाद उसे अच्छे से 5 से 6 सीटी लगाकर अच्छे से बॉयल कर लिया था, और उसका पानी नहीं फेंका था, और वो मैंने पानी के साथ ही इसमें ऐड कर दिया, ये देखिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी अलग से डाला, तकरीबन 1 कप के करीब, और इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए, तैयार हो गए हमारे छोले, से बनके तैयार हो गए। अभी से हम एक तरफ करके रख लेते हैं। दूसरा, हमने जो आटे की मैदे की लोई बनाई थी, उसे हमने गीले कपड़े से ढककर रख दिया था। ये देखिए, ये लोई बनाने के बाद हमने एक हाथ से ऑयल लगाकर इस हाथ की हेल्प से एक पूरियों की शेप दी और उसको फ्राई कर लिया। आप इसको हाफ तेज फ्राई में कीजिएगा, अगर डिम्पर की करेंगे तो ये टाइट हो जाएंगी, वो जायका नहीं आएगा, वो टाइट हो जाती हैं। ये देखिए, मैंने इसे हाथ की हेल्प से बढ़ाकर कढ़ाई में तेल एकदम तेज आंच पर मैंने कर दिया, फिर इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम कर दिया, और एक एक करके मैंने अपने सारे भटूरों को फ्राई कर लिया। ये देखिए, फूले फूले से भटूरे बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी भी बहुत बने थे। मैंने ऐसा हाथ की हेल्प से इसको गोल गोल, आप चाहे लंबी शेप भी दे दीजिएगा, बहुत से लोग लंबे बनाते हैं, बहुत से गोल बनाते हैं। ये देखिए, आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और ये देखिए, तैयार हो गए हमारे बढ़िया से बनकर छोले भटूरे। साथ में हमने ये मिर्च का अचार, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, ये हमारे छोले और भटूरे। साथ में हमने प्याज का लच्छा और एक हरी मिर्च के अंदर, आपको क्या करना, हरी मिर्च को बीच में से फाड़ कर उसके अंदर चाट मसाला और थोड़ी सी खटाई मिलाकर उसको लगाकर अच्छे से आधा घंटा पहले रख देना, ताकि मिर्च के अंदर खटास और बढ़िया से तैयार हो जाए। ये होती मसाला मिर्च, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना, और ये मिर्च भी साथ में, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और हमारी सबको बहुत पसंद आई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।